कीनिया में मारूफ पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ जॉम हक हो गए। सहाफी अरशद शरीफ के काम से दुनिया वाकिफ थी। कोई भी इस मुल्क में किसी भी इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकता। यार तो जब बताया था ना मैंने जर्मनी के वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा वीज़ा लग गया है। मैं तो भाई निकल रहा हूँ उस मुल्क से बाहर। तो बता तू क्या कर आजकल? यार तुझे पता है मुल्क के हालात कैसे हैं, इसीलिए मैंने सहाफत का आगाज़ किया है ताकि जो करप्ट माफिया है उनको बेनकाब कर सकूँ। नहीं भाई, मेरे तो ख्याल से सहाफत महफूज पेशा नहीं है। तू भी वीज़े के लिए अप्लाई कर और निकल बाहर इस मुल्क से। यार सहाफत एक ऐसा पेशा है जो लोगों को मौजूदा हालात के बारे में आगाह करता है, और मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊँगा। जैसे तेरी मर्जी। सुने बाहर हालात बहुत ख़राब हैं, आप प्लीज़ घर जल्दी वापस आ जाएं। नहीं नहीं तुम फिक्र ना करो, मैं फरहान के साथ हूँ, कुछ देर में आ गया। आज मैं आपको एक ऐसे कब्ज़ा माफिया के बारे में बताऊंगा कि जिसने पूरे पाकिस्तान में अरबों रुपए की आराजी पर कब्ज़ा किया है। इस कब्ज़ा माफिया का नाम है वली इंटरप्राइजेज। इसने पूरे पाकिस्तान में अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। हाल ही में इस कब्ज़ा माफिया ने मुल्तान में अरबों रुपए की आराजी, जिसका नाम डेरी हसनाबाद है, वहाँ पर कब्ज़ा किया। याद रहे ये वही कब्ज़ा माफिया है जिसने लाहौर में सेटेलाइट टाउन, रावलपिंडी में रिंग रोड और कराची में कुरंगी टाउन पर कब्ज़ा कर चुके हैं। आने वाली कई वीडियोस में मैं इस कब्ज़ा माफिया के बारे में आपको सबूत पेश करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह ये लोग पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर रहे हैं। आज वक्त है कि हम इनके खिलाफ उठ खड़े हों और अपनी आवाज़ बुलंद करें, वरना इस कब्ज़ा माफिया ने पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेना है। इस मिशन पर मेरा साथ दें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। आज बड़ी देर हो गई, उमर अभी तक घर नहीं आए, अल्लाह खैर करे। सुना है काफी फेमस हो गया तू? हाँ बिल्कुल, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे जगह में नहीं आऊंगा। बहुत हंस रहे ना तू, हंस, खुल कर हंस। क्या चाहता है तू? मेरे खिलाफ वीडियोस बनाना छोड़ दे। आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, अगली दफा जान से जाएगा।
पानी पिए। अब बताएं क्या होगा? मैं सच बोलने की कीमत अदा करके आया हूँ। आज मुझे पता लगा है कि मेरे पेशे की औकात क्या है। क्या मतलब, किस तरह? आज मुश्किल वक्त में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ और आने वाला वक्त मेरे लिए मज़ीद मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है कि आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप परेशान ना हो, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पिछले चंद दिनों से मैं किधर गायब था। बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी इंसान बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है तो उसको खामोश करवा दिया जाता है। जिस तरह के मैंने एक कब्ज़ा माफिया को बेनकाब किया था, उसी के कुछ दिन बाद चंद लोग मेरे पास आए और मुझे अगवा कर लिया गया। मुझे मारने की धमकियाँ दी गई, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। और अगले 24 घंटे में मेरी कुछ ऐसी वीडियोस आएंगी कि जिसमें मैं इन लोगों के बारे में और वली इंटरप्राइजेज के बारे में आपके सामने कुछ ऐसे सबूत लेके आऊंगा कि जो कि इनका सारा पर्दा फाश कर देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कहा था ना खामोश हो जा, 24 घंटे में मेरे खिलाफ सबूत जाएगा, अब तुझे मैं खामोश कराता हूं। की जमीन पर फरेब के ये सारे घर इनमें रहने वाले पर जिम्मा है, ये कुदरत का या खता तुम्हारी है, जो भी है सबब सो है पर सजा हमारी है। जिसको जो भी मिलता है दे सबब, नहीं मिलता मुझसे बोले मन मेरा, सब को सब नहीं मिलता, को सब नहीं मिलता। रोजो शब रंगों की खोज में रहे, हर लम्हा यादों की मौज में बहे। कल था क्या क्या होगा, उलझे हुए सिरे, हर दिन इस